पाची थी या पापा हिमकच मम्मी और मुस्कान ने इतनी सारी बातें की मेरा उस वजह से नुकसान भी हुआ मैं और पापा मतलब फिर पागल हो गए। फिर पापा और मैं चाय वगैरह पी रहे थे और हम देख रहे थे यहाँ पे ये डोरीमोन वगैरह मतलब डेढ़ घंटे के बाद भी मम्मी कह रही है चक्कर में वहां पर। ये मेरे स्कूल के टाइम का आइसक्रीम वाले भैया हम स्कूल के बाहर लेते थे मेरे को ख्याल ही नहीं आता। और ये जब मम्मी सुनती है ना तो मम्मी फिर रोती है। तो आप लोग भी कमेंट करके बोला करो मम्मी को कि रोया मत करे पचस मम्मी तुम आराम से पूछ आप लोगों की बेटिया आप लोगों के बेटे मतलब मेरे भाई बोलते रोया वोया मत करो क्या मम्मी सीम बुआ था बोला पर असम वाद आप लोग भी बोलना। वाह क्या बात है पापा ने शायद पराठे लाए हैं नमकीन चाय के साथ पराठे हाँ शायद देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अस पढ़ेंगे खुश पढ़ोगे। तो अभी आ चुका है टाइम 4:30 मैंने नमाज पढ़ी और मेरा मन अभी कर रहा है नमकीन चाय पीने का लेकिन वो हमें खुद ही बनानी है क्योंकि आपको पता है आपके आयन भाई को सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है और मम्मी गई है तजत पे क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले करगिल साइड एक एक्सीडेंट हुआ था और उस ड्राइवर की डेथ हो गई थी वो गुजर गए थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे जो हमारे बेचारे ड्राइवर होते हैं उनकी लाइफ कुछ भी नहीं होते मतलब क्या मैं बोलूँ उसका भी बेचारे का बेटियाँ थी उसकी तो अल्लाह ताला अब उनको जन्नत अता करे। हमारे ड्राइवर जो है जितने भी हमारे मतलब इस दुनिया की बात मैं करूँगा क्योंकि जान जान होती है वो कोई भी इंसान हो तो अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। तो अभी हम चाय बनाएंगे पियेंगे बड़े अच्छे तरीके से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से दूध और यहाँ पे कुछ बचा था कुर्बान आप लोगों को पता है हमने सारा वही दिया था यतीम ट्रस्ट में तो ये जो वहां से आया ये वो था तो ये बचा है और यहाँ से मैं ये निकालूंगा। तू बंद हो जा आराम से अगर तू देख वैसे आप ये चेक कर लो इसका पूरा ना पूरा वो इसके अंदर वो बर्फ बना है ओ वही साहब ओ गरम गरम चाय में ठंडा ठंडा दूध वो भी बर्फ वाला कई बात है गाइज। अभी यहाँ पे पापा ने और लकड़ी लाई है पश के लिए पाची थी या पापा हिमकच फिलहाल यहाँ पर रखते हैं ये वाला गेट से दूर होगा इसलिए मैं वो वाला गेट खोलूंगा। ये हमने यहाँ पे रखी क्योंकि ये धूप में नहीं रख सकते ये टेढ़ी हो जाएगी पापा को बोल के रखा है उसने कल लगेगी यहाँ पे वो भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखो बस इतना पता था कि जो पश होता है उसमें लगता है खर्चा टीन का और लकड़ का लेकिन यार इसमें इतना होता है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं होता। तो अगर आप जितना आप लोगों ने हमारा घर देखा है अगर आप पश देना चाहते हो तो भाई साहब 11-13 लाख आपको जेब में रखने पड़ेंगे वो भी एक साथ ही छोटे काम का मैं नहीं कह रहा हूँ बड़े काम का ढांचे का 13 लाख तक नजर रखनी होगी मतलब एक महीने में भाई साहब। वाह क्या बात है पापा ने शायद पराठे लाए हैं नमकीन चाय के साथ पराठे हाँ शायद देखते हैं क्या ही बात है मैंने बाहर से ही बोला हाँ जी अभी थोड़ा सा खाते हैं बिस्मिल्लाह। आज है ब्लॉग का दूसरा दिन कल चाय पराठे खा के तो हम फिर काम में लग गए और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि सुबह ही सुबह क्या हाल हो गया देखिए यहाँ पे क्या हुआ सारे को यहाँ से तो पीछे से थोड़ा सा उठाया मैंने यहाँ से देखो ये सब पूरा क्योंकि यहाँ से काट रहे थे ऊपर क्या ही कर सकते हैं रोज़ रोज़ उठाना पड़ता है ये क्योंकि यहाँ से है जगह वॉशरूम जाने की। अदनान की किस्मत देखो अदनान अभी सो ही रहा है 10:30 बजे काश मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती। अदनान या थोड़ बता लो कुआ मोकलो दो लोग बात दिखे वत थोड़ उठो उठो वत थोड़ दो गिलास तो मैं फिर थे वत बगे लात वत गाइस अदनान तो उठने का नाम नहीं ले रहा है तो मैं ही अदनान के पास सो जाता हूँ। या दू
इसका फेस चोरी चोरी रिवील भी हो गया और इसको अभी लग रहा है कि मेरा फेस यूट्यूब पे नहीं दिखा है, मैं अपना फेस यूट्यूब पे आप भाई की शादी के टाइम दिखाऊंगा। ये अदनान के लिए दूध निकाल के रखते हैं बिना उबाल के। अगर एक कल वाला फिर देखता, फीजर वाला, ये गर्म वर्म नहीं पीता है, बोलता है ऐसे ही रखना मुझे। यहाँ पे देखे मम्मी सुन रही है, मम्मी ज्यादा आफाक भाई के और इशफाक के, तो यह थोड़ा इमोशनल टाइप के गाते हैं। फिर मम्मी यही देख के फिर मम्मी रोती है, इसलिए तो मैं मना करता हूँ, लेकिन क्या करें, टीवी है यहाँ पे तो मैं तो रिमोट छीन नहीं सकता। और एक बात मैं कहूँगा, कल मम्मी और मुस्कान ने इतनी सारी बातें की, मेरा उस वजह से नुकसान भी हुआ, ना ही फिर मैं उस वजह से अपनी रील अपलोड कर पाया इंस्टाग्राम पे और ना ही अपना व्लॉग फेसबुक पे अपलोड कर पाया। थोड़ा दो मिनट मैं और पापा मतलब फिर पागल हो गए। फिर पापा और मैं चाय वगैरह पी रहे थे और हम देख रहे थे यहाँ पे ये डोरीमोन वगैरह, तो मम्मी की बातें खत्म ही नहीं खत्म। फिर जब 8 भी बज गए, 9 भी बज गए, 9:30 भी हो गए, तो फिर मैंने सोचा भाई साहब नुकसान तो हो गया, तो फिर मैं रात वाला माज पे रहा तो था हर जी। गाइस यहाँ पे देखो मम्मी का रिएक्शन क्या है, कूर छमना कात करना जैसे मुझे खाने को उठेगी, देखना। लेकिन यार हद होती है, मैं यूट्यूब के सिवाय किसी और के सामने बोल नहीं पाता, लेकिन इनकी बात है जब ये फोन करते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा ये ना खत्म नहीं होती है, मतलब मिशन मौका नहीं, मतलब 1.5 घंटे के बाद भी मम्मी कह रही चक्कर में वहां पर। और ये जब मम्मी सुनती है ना तो मम्मी फिर रोती है, तो आप लोग भी कमेंट करके बोला करो मम्मी को कि रोया मत करे, पचस मम्मी तुम आराम से आप लोगों की बेटिया आप लोगों के बेटे मतलब मेरे भाई बोलते रोया वोया मत करो, क्या मम्मी सीम बुआ था सब बोला पर असम वाद हमान आप लोग भी बोलना। देखो यहाँ से मम्मी क्या बोल रही, पानी बहन माजा हर कैसे माज पा अवला टोट, लेकिन आप लोग भी बोलते हो ना मम्मा को कि नहीं इस गम से निकलो, अब अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, यम तना दो फेसबुक पर चीज तो मैसेज मैसेज पे अगर तुम पा रही ना ते लगे दो माज पोतर। चलो वो बात तो सही है, एक माँ को एक औलाद मतलब जरूरी, दिल खुद से ज्यादा वो अपने औलाद को चाहती है, इसे जरूरी का अथ अग्नि कहाँ वही क्या थी दुनिया कहाँ जायजत करती है। लेकिन उठो आपको तजर पे भी जाना है, तो मैंने आपको वो कल बोला था कि यहाँ पे गुजर गया तो अल्लाह ताला उन्हें भी जाना अता करे। वो मैं भूल गया, ये मेरे स्कूल के टाइम का आइसक्रीम वाले भैया है, स्कूल के बाहर लेते थे एमपी, मेरे को ख्याल ही नहीं असल में बहुत टेंशन होता है। हाँ चलो दे दो यार, मजा आता था स्कूल के टाइम, आपको पता है इकरा स्कूल के बाहर उस टाइम अलग ही मजा आता था। मटका कुल्फी ये जबरदस्त होती है, इसकी साइड में बर्फ होता है ना, साइड में ये बढ़िया होती है, इसका अलग ही मजा होता है। यहाँ पे भाई सब गैस खत्म हो चुकी है, अभी मैं ये बाहुबली की तरह एक हाथ से उठा सकता हूँ। इसका ये निकालते हैं रिग्रेटर, हाँ टूट गया, बच गया। इस पे तो मैंने नया सिलेंडर लगा दिया और जो ये खाली वाला है फिलहाल यहाँ पे रखा, और अभी चल रही यहाँ से दड़ोदड़ सफाई, क्योंकि अगले 20 दिनों तक जो हमारे पश का काम चल रहा था ऊपर, अभी कुछ खास तो दिख नहीं रहा, तो वो अगले 20 दिनों तक नहीं होगा, क्योंकि आप में से सब लोगों को पता होगा कि मुहर्रम आया है, चल रहा है, अच्छा 5वां की 6वां है, तो अगले 15-20 दिनों तक जो तुरखान है वो नहीं आएंगे, तो आप लोगों को पता है अब क्या आयन भाई को सब कुछ साफ ही होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम को ही करते हैं, दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और अभी जो पानी का काम है वो सबसे बेस्ट है, ओ भाई साहब भी ये बाहर निकालते हैं, ओ, 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 ओ। निकल जा, अभी यहाँ से बिल्कुल साफ हो गया चकाचक, लेकिन इस पे नजर तो भाई इधर क्या रखा गया है, ओ, ओ, ओ। भाई साहब इधर से तो हो गया लेकिन इसका मैं क्या करूँ। देखो यार ओ, ओ, देखा।
ओके जी माय डियर फैमिलो, अभी टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का, लेकिन उससे पहले हम अपनी कुछ आयरिश फैमिली की कमेंट्स पढ़ेंगे। तो पहली कमेंट ये सना बिनती माजिद ने, मैंने लिखा था एक लाइक एक कमेंट तो बनता है, और उन्होंने वहाँ पे किया है रिप्लाई, हम करते हैं आपके बोलने के बगैर, लेकिन वो अलग बात है आप हमारी कमेंट्स पढ़ते नहीं। देखिए एक चीज़ मसला, अगर मैं रोज़ एक ही कमेंट पढ़ूंगा या दो लोगों की कमेंट, तो बाकी ऑडियंस तो नाराज़ हो जाएगी ना, तो इसलिए सारा कुछ सोचना पड़ता है, सीखते कमा बचाऊँ तो कबाब दें। और एक कमेंट किए इमो हिस्टर्स कुछ है, तो उन्होंने लिखा है अपना ख्याल रखा करो, खा पी लिया करो, ब्लैक चने खाया करो, दूध पिया करो, और मजदूरों को वगैरह मत दिखाया करो, आपको नज़र लगी है। लव फ्रॉम ईदगाह श्रीनगर। कोई बात नहीं, खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। और रही नज़र की बात, इस बात सही है, नज़र इज़ रियल, नज़र लगती है, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं अपना सब कुछ दिखाता हूँ, तो मैं अब ये कहाँ जोर रखूँगा। वैसे खाली हम ही तो मकान नहीं बनाते ना, पूरी दुनिया की कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। और एक कमेंट की है, अब बहन की याद भी नहीं आती, ना ही कॉल रिसीव करते हो, ना ही पिक करते हो, ना ही कुछ करते हो, ना ही मैसेज का रिप्लाई देते हो, बहन को भूल चुके हो। डॉक्टर राबिया व्लॉग में रीज़न ज़रूर बोलना, रीज़न बस यही है कि आपका भाई बीमार था पर और घर के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था, यही मसला है। डॉक्टर साहिबा आप फ़िलहाल पेशेंट्स का इलाज करिए हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं, भाई को आप हमेशा याद रहोगे। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड कर, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।